हेलो गाइस, वेलकम टू गो ट्रैव। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस नर्सरी के बारे में और वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने आपको आधी वीडियो दिखाई थी और आधी वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए वो देख लेते हैं। और आपने जैसा देखा था कि पिछली बार मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये वाले प्लांट दिखाए थे, 10 और 20 वाले, तो आज हम उससे बढ़ के आगे जो प्लांट्स हैं उन्हें हम देखने वाले हैं, जो कि इंडोर प्लांट्स हैं। और काफ़ी देखिए, आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़ी नर्सरी है ये, बहुत बड़ी नर्सरी। और एक्जॉटिक प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल्स हैं, इंडोर प्लांट्स, इनके पास वैरायटी है। और प्राइजेज सबकी मैं बताऊंगी आपको। प्राइस जीना है, प्राइस क्या है इसकी? 50 रुपीज़ का है। परमानेंट प्लांट है ये, ड्रैगन ड्राई जीना। और ये भी आई थिंक सेम ही है, सेम इसी की वैरायटी है। ओके, कलर चेंज है। और ये क्या प्लांट है? ये बिगोनिया की हाइब्रिड वैरायटी, बिगोनिया की हाइब्रिड है ये। आई थिंक पीछे में रेड है, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। अरे वाह, क्या प्राइस है इसकी? ये 150 का है, 150। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये है एलोवेरा प्लांट, जेट तो ये जेट प्लांट है, जो सच में बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये 100 है, इसमें कभी फूल ही निकलते क्या? ये 150। तो ये सच में अच्छा है यहाँ, अभी मतलब इनकी काफी स्लो ग्रोथ होती है। पर यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्लांट का कितना अच्छा, बहुत ही ये है गाइस, रबर प्लांट सारे 150 का है गाइस। आपके जस्ट पीछे छोटे ये वाले, ओके। तो ये इनकी प्राइस क्या है? ये वाले सेम है। तो ये बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं, जैसा कि आपको पता है। ये है गाइस 150 के, और आपको लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पत्ते को देखिए, सनू डोंट टच। पर आपको मालूम है कि रबर प्लांट है। और ये मनी प्लांट का, ये मॉन्स्टर है, अच्छा मनी प्लांट है। तो क्या मस्कीटो को खाते हैं क्या वो? नहीं नहीं, इसके पत्ते में डिजाइन सी होती है, कटिंग सी। अच्छा, हाय। इसकी प्राइस क्या है? ये 500 का ही, 500 ही, काफी कॉस्टली है ये मनी प्लांट, 500 का है ये। ऐसे मनी प्लांट की तरह ही होता है, ग्रोथ बहुत धीरे होती है इसकी। ओके, मॉन्स्टेरा है गाइस 500 का। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ सबसे कॉस्टली प्लांट यही होगा, या इससे भी कॉस्टली, कौन सा होगा वो? इससे कॉस्टली, फिर थोड़े बड़े साइज में हो जाते हैं वो। अच्छा, ओके। तो अगर आपको बड़े साइज के कॉस्टली प्लांट देखने हैं तो आप यहाँ आकर जरूर देखिए और अंकल से जरूर पूछिए। और ये इसमें भी फ्लावर आती है, सिर्फ लीफ? अच्छा, ये अच्छा एग्रोनिमा जेब्रा का। इसकी प्राइस क्या है? 300 रुपीज़ है गाइस। इसकी प्राइस नाम सर डिस्प्ले है, फर्क है और बात के लिए जरूरत में सब कुछ निकल कर आ दोगे आप, एक और उठा के ले आओ। तो आप कोई निकालना भी नहीं है, तो आप भी यहां से मुझे चाहिए। वाओ, ये भैया हैंगिंग प्लांट, ये मार्बल मनी प्लांट है। मार्बल मनी, क्या प्राइस है इसकी? 200 की है गाइज, ये 200 की है मार्बल मनी प्लांट। पर गाइज, मैंने इसको लिया था 130 में, तो आप 130-150 कम करके ले सकते हैं। दिस इज बोनसाई मनी प्लांट, कचेरा आपको बहुत पसंद होगा। व्हाट इज द प्राइस? 500। ओहो, और ये 500 का है, इट्स कॉस्टली टू। वाओ, डोंट स्मेल इट सानू, दिस प्लांट इज वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, प्लेथिया प्लांट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड प्राइस?
ये 350 इसमें आपको 350 का लग रहा है शायद, क्योंकि 350 का आता है। एंड व्हाट इज दिस? डिस्टीचिया हैंगिंग कहते हैं इसको। डिस्टीचिया अगेन यू से डिस्टीचिया हैंगिंग, आप ही नीचे सुन लो, ये नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर रहा। डिस्टीचिया हैंगिंग ओके। एंड व्हाट इज द प्राइस? ये 200 का विद बास्केट है, पूरा सेट है 200 का। मॉम ओके, तो इसमें आपके पास और भी है या सिर्फ इतना जितना इसको भी कुछ नहीं है, बाकी एक पीस का ऊपर टंगा हुआ है बास्केट। अच्छा, इसमें एक प्लांट और आती है जो कि जैसे पर्ल होता है, पर्ल प्लांट सब विंटर्स में चलता है, दिल्ली के वेदर में इस टाइम पे टिकेगा ही नहीं होगा। अच्छा, वो राइट रहता है, उसके लिए ठंडा वेदर चाहिए। ठंडा वेदर चाहिए, चाहती है सर्दियों में। अच्छा, एक्चुअली जहाँ पे धूप नहीं आती हो तो वहाँ के लिए ये इस तरह के प्लांट्स सबसे बेस्ट है। तो इसमें काफी ग्रोथ हुआ आपके पास है क्या? ग्रोथ करा हुआ मैम, इसका निकल जाता है, बात ये है तो नया स्टॉक आने वाला है, सब पूरा बुशी आ रहा है पूरा। और इस प्लांट का नेम क्या है? ये संगोनियम येल्लो। संगोनियम येल्लो, प्राइस? ये आउटडोर भी चलता है, अगर इसको आप इंडोर रखते हो तो धूप चाहिए इंडोर में भी थोड़ा बहुत। ओके, नहीं इसमें नहीं लगता। प्राइस क्या है इसकी? पानी तो निकलना ही चाहिए। ये 50 का ईच, 50 रुपीज ईच। इसका बैग भी मिल जाता है, बैग में 30 रुपीज तक का आ जाता है। हाँ, बैग में सस्ते होंगे, ये आपके पॉट में है तो 50 रुपीज है। और काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ हो रखा है पॉट में। और ये किस चीज का प्लांट है? ये फाइकस की बोनसाई है, ग्राफ्टेड। ओके, ये काफी ओल्ड लग रहा है आई थिंक। छोटे वाले जो है वो करीब 6 साल पुराने, बड़े वाले जो है 9-10 साल के। इसमें और पुराना भी रखा है एक बड़ा पौधा वहाँ भी। इनकी प्राइस क्या होगी? छोटे वाले जो है 700 का, बड़े वाला 1500 का। ओके, 700 है गाइस, और ये है 1500 है। इसमें एक और बड़ा भी है, इसमें फाइकस में आप कुछ देते हैं इनकी ग्रोथ के लिए या फिर नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट ही खाद जाती है बस? क्यों वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब नहीं, इसमें जरूरत नहीं होती है क्योंकि हार्डी प्लांट है। हाँ, और पानी कम चाहिए? पानी दिन में एक बार थोड़ा सा चलता है, ज़्यादा नहीं। डेली मतलब देना है गर्मियों में? हाँ, गर्मियों में डेली देना है। हमारे पास में एक एक्चुअली फाइकस है और लीफ तो बहुत कम ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, लेकिन उसकी जो रूट से नीचे काफ़ी ड्राई हो रही है। रखा है आपने आउटडोर? रखा है आउटडोर, मैंने रखा हुआ है। बाल तो बड़ा गाइज, टिकोमा में अगर फ्लावर्स ना आते हो तो ये भैया आपको बता रहे हैं कि आप स्प्रे कर सकते हैं उसको, तो ये आगे भैया बताएंगे क्या है स्प्रे करने के लिए। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून मैक्सिमा पाउडर डलेगा, उसका आप फूलों वाले पे फलों वाले पे स्प्रे करो तो फूल और फल उस पर ज़्यादा आएगी। नहीं, वो मेरे वो पौधे तो बहुत है ब्रोकन। इनकी प्राइस क्या है? ये 500 का ही सेम है ना, इसमें कम से कम 4 से 5 प्लांट लगे हैं। ओके, अरे वेरिएटेड आएंगे क्या मॉन्स्टर? उसके लिए जाना पड़ेगा हरियाणा। वाओ, क्या मनी प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस मनी प्लांट को। ये कौन से प्लांट है, छोटे स्मॉल से बिल्कुल? ये पेप्रोमिया, पेप्रोमिया का पौधा। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये 150 का ईच, ये सब तो कहीं जा रहे हैं पैक होके। अच्छा, इसमें का स्टॉक अपने पास आता रहता है हर ट्रक में। हाइट में काफी छोटी होती है, छोटे रहते हैं, बुशी होते हैं, बुशी रहेगा बस, ये ऊपर की साइड ग्रोथ नहीं होगी, साइड में फैलता है, साइड में होगा। ओके मम्मी, यहां देखिए, तो अभी आपके पास ये प्लांट नहीं है ना? इसका स्टॉक कम करूंगा अभी, इसका 10 डेज के बाद आएगा। ओके, तो ये ऑल सीजन है? ऑल सीजन है, इसको भी ठंडे जगह चाहिए रूम में। ओके, और बिल्कुल हल्के से पानी चाहिए होगा इनको। हां, और इन सभी जो इंडोर प्लांट होते हैं इनमें आप क्या खाद डालते हैं? इनमें एप्सम सॉल्ट मिलता है थोड़ा बहुत, एप्सम सॉल्ट, बोन मील भी डालते हैं कभी कभार, बोन मील, और एनपीके तो डालते हैं पर वही कभी जब जरूरत पड़ता है तब। वैसे एनपीके से पौधे हार्म कर देते हैं इंडोर वाले, आउटडोर में सही रहता है, इंडोर के लिए दिक्कत करता है। फ्लोरिंग प्लांट के लिए मोस्टली अच्छा होता है एनपीके। और इसका प्राइस आपने क्या बताया था? ये 150 का, 150 ये तो अभी थोड़ा हल्का है। हाँ, जब इसका आता है पूरा बुशी पूरा पॉट भरा हुआ आता है तब ज़्यादा अच्छा लगता होगा देखने में। अभी पॉट का अपने पास स्टार्ट होगा, ये जो है ये पॉट करीब होगा, ये 16 इंची का पॉट है, 16 इंची है, ये 350 का ईच है, 350 इसकी क्वालिटी के हिसाब से। 16 इंची में एक और आता है। हाँ, इस टाइप में। ओके, ये पड़ता है 150 का, इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है। 150, हाँ,
और ये विंडो पॉट है, इसमें तीन साइज आता है, एक तो 17 इंची का है, ये पड़ता है 150 का, अच्छा। इसमें आता है एक 20 इंची का, थोड़ा इससे थोड़ा सा बड़ा, वो 200 का, और इसमें 24 इंची का आता है वो 250 का। बाकी वाइट के प्राइस जो होते हैं, जैसे आपने रेड लिया तो वाइट की जगह पे ना, जैसे 16 इंची है वो 350 का है, और इसमें वाइट में 16 इंची लोगे तो ये 450 का पड़ेगा। अच्छा, वाइट का प्राइस बढ़ जाएगा। और इसी में अगर आप, जैसे ये ब्लैक वाला है, इसमें अगर आप ब्लैक लोगे तो वो पड़ेगा 250 का, कम हो जाएगा 16 इंची का। और सबसे सस्ता पॉट आपके पास कितने का है? 10 रुपीज का होगा, 10 रुपीज का नर्सरी पॉट वहाँ पे रखे हुए हैं, छोटा ये रखा है। अच्छा, इसी में साइज बढ़ता जाता है, रेट बढ़ते जाता है। 10 रुपीज का जैसे है, ये इसी का थोड़ा बड़ा है, ये 20 का है। ओके, फिर इससे और बड़ा आता है 50 का, इससे और बड़ा। अगर इसका वाइट लेते हैं सेम साइज, वाइट इसमें का सेम साइज लेंगे 25 का, 25 रेड लेंगे 15 का। ओके, तो गाइज इनके पास 10 के प्लांट भी अवेलेबल हैं और 10 के पॉट्स भी अवेलेबल हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये है कोई प्लांट जो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही क्यूट सा आपको लग रहा है शायद, पर ये प्लांट सच में है। इसकी नजर देखो कितनी बैड, स्मेल नहीं है, स्मेल नहीं, मास्क नहीं निकाली, आप रख दीजिए, पर ये बहुत अच्छा है। हाँ, नीचे रखिए, नीचे रखिए। अंकल, इस प्लांट का नाम क्या है? इस उसकी वैरायटीज भी कॉस्टली बढ़ती थोड़ा, जैसे ये वाला एक कॉमन वैरायटी है 150 का, ये 150 का है, इसमें जो और वैरायटीज आती है वो 250 300 तक प्राइस है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? हाँ, ये सारे क्लेडियम है गाइस और इनके प्राइस है 150। इसमें टू कलर्स हैं आई थिंक, एक रेड है और एक ग्रीन। और पीली वाली पत्ती की जो है, पत्ती पत्ती वाली, वो करोटन का है, इसको भी दिन भर में आधे घंटे की सनलाइट चाहिए चाहिए। ये है पर्पल सेम रॉक, तेज धूप में रहो कड़क धूप को बोलते हैं, और इसमें ब्यूटीफुल ये फ्लावर्स आए हुए हैं। और इनकी प्राइस क्या भैया? ये 250 का ईच, 250 का है। जब ये आए थे ना पूना से, इसके पत्ते सारे सूख गए थे एक बार, क्योंकि इसके पत्ते बहुत हल्के हैं। इनको धूप नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पानी इसमें डलता है 4-5 दिन में एक बार, वो भी आधा एक कप, इसके पत्ते ही पानी डालना चाहिए, पत्ते इसके लेट जाते हैं। इसका क्या नाम है? ये अरेलिया, अरेलिया। ये भी आउटडोर शेड में चलता है, इंडोर प्लांट नहीं है। ओके, इसकी प्राइस क्या है? ये तो बैग में 50 का है, आपके पीछे रखे हुए हैं। ओके, 50 का है, 100 का, तो थोड़े बुशी है। ओके, ये थैले में गाइस 50 रुपीज़ के हैं और पॉट में 100 के हैं। आपके ओके, ये 100 के हैं गाइस, ये करीब 3-4 तक जाता है, ये हल्के धूप में चल जाते हैं। अभी अगर हम ले जाते हो तो इनको पॉट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? महीने भर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन रहे कलर का पता नहीं चलेगा कलर क्या। सो फाइनली गाइज, हमने ये प्लांट्स लिए हैं, रेन लिली के और एक अजवाइन का, आप साइड में देख रहे होंगे। ये प्लांट्स काफ़ी बेनिफिशियल होता है फॉर द स्टमक, तो हमने ये देखे रेन लिलीज, 3 प्लांट्स मैंने रेन लिलीज के, और ये रीगो जो बताया था उन्होंने वो, तो ये सारे 10-10 के प्लांट्स हैं, 20 के 50 के इस तरह के रेंज के हैं। और मैंने लिया है एक मार्बल मनी प्लांट, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो गाइज नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।